नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसएसएमएल फॉर्म के थ्रू टेबल में डाटा कैसे एंटर करवाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है टेबल को, उसके बाद आप जाइए क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको कई सारी ऑप्शन दिखेंगी, उसमें से एक ऑप्शन फॉर्म्स की है, उसमें से फॉर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो ऑटोमेटिकली फॉर्म बना हुआ आ जाएगा उसमें, उसके बाद आप डिज़ाइन व्यू पर जाइए। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो एडिटेबल फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसकी जो कॉलम है आप उसका साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप, और जो फॉर्म की हेडिंग है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इवन आप उस फॉर्म का लोगो भी चेंज कर सकते हैं, उनका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्म का जो बैकग्राउंड है वो भी लगा सकते हैं। हम आपको अपने चैनल का बैकग्राउंड एज फॉर्म का बैकग्राउंड लगा के दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अपने चैनल का जो बैकग्राउंड है एज ए फॉर्म बैकग्राउंड लगाया है। यहाँ पे जो फॉर्म के जो हेडिंग है वो साफ नहीं दिखा दे रहे, आप कुछ और चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बटन बनाएंगे एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, और हम चाहेंगे कि बटन पे एज ए टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक बटन और बना लेते हैं। ये वाला बटन हम बनाएंगे फॉर्म को क्लोज करने के लिए। और इस पे जो बटन पे टेक्स्ट लिखे होंगे फिनिश कर दीजिए, और उसके बाद आप फिर से फॉर्म व्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपको जो फॉर्म आपके सामने है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट में रिकॉर्ड दिखाता रहेगा, और यहाँ से ही आपको न्यू रिकॉर्ड एंटर करने की जो ऑप्शन है वो भी मिल जाएगी। आप वहाँ से रिकॉर्ड को जो है एंटर कर सकते हैं। अभी हम आपको किसी एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड एंटर करके दिखाते हैं। ये जो अभी हमने रिकॉर्ड एंटर किया है वो टेबल में सेव हो चुका है। अभी हम टेबल देखिए, टेबल में जो लास्ट हुआ है वो हमने फॉर्म के थ्रू एंटर की है। कृपया हम जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम लेके आते रहेंगे आपके लिए नई नई वीडियो। धन्यवाद।